आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने विंडोज 10 में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स अगर आपने क्रिएट कर रखे हैं तो उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पर मैंने विजिटर्स के लिए क्रिएट कर रखे हैं अकाउंट, और भी दूसरे दूसरे यूजर्स के लिए क्रिएट कर रखे हैं। इससे क्या होता है कि सारे यूजर्स का अपना एक पर्सनलाइज स्पेस होता है, तो वहाँ पर वो जितनी चीज़ें चाहे वो रख सकता है खुद ही, और उसकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरा पर्सन जो उसकी चीज़ें को नहीं देख पाएंगे, और तीसरे पर्सन वो मतलब सारे की चीज़ें जो वो अलग अलग जगह पे स्पेस रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह से यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको यूजर्स क्रिएट नहीं करना आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कैसे एक नया यूजर्स क्रिएट कर सकते हो किसी भी लैपटॉप में। और मैंने आपको दो ट्रिक बताया था कि आप अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हो और सेटिंग से जाकर क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं आता यूजर्स क्रिएट करने तो आप मेरा वाला वीडियो चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आप किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकते हो विंडोज 10 में, और आप विंडोज 8 में 7 में सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत अलग होंगे डिफरेंट, पर मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो सेम ही होंगे। और कमांड प्रॉम्प्ट वाले जो ऑप्शन होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, तो सारे विंडोज़ पे काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बताऊँगा आपको, एक मैं आपको सेटिंग से बताऊँगा, सेटिंग से आप कैसे इन सारे अकाउंट को आप चाहते हो डिलीट करना, मतलब सारे को नहीं, मतलब जिसको चाहते हो आप डिलीट करना उसको आप डिलीट कर सकते हो यूज़र्स को। और मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से बताऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे आप डिलीट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसे अपने विंडोज 10 में या 8 में कैसे आप डिलीट कर सकते हो किसी भी यूज़र्स को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ बेल आइकन के दबा दो ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। जिस तरह से यूज़र क्रिएट करने का मैंने आपको दो मेथड बताया था, उसी तरह यहाँ पे यूज़र डिलीट करने का भी दो मेथड मिलता है। पहला आपका सेटिंग्स है और दूसरा आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। पर यूज़र डिलीट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लैपटॉप में कितने यूज़र्स हैं, तो वो यूज़र्स भी आप चेक कर सकते हो। दोनों आप सेटिंग से भी चेक कर सकते हो कितने यूज़र्स हैं, और आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी चेक कर सकते हो। सेटिंग से चेक करने के लिए आपको जाना सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है फैमिली एंड अदर पीपल में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितने यूज़र्स हैं आपके लैपटॉप में। तो यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होंगे आपके लैपटॉप में वो सारे यूज़र्स यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एडमिन वाले एडमिन को छोड़ करके यहाँ पे दिखेंगे, तो एडमिन को छोड़ करके यहाँ पे चार यूज़र्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। और यही सेम चीज़ आप उससे भी देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट से। तो कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे देखना है उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। तो विंडोज में सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, यहाँ से ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप डायरेक्ट विंडोज एक्स से शॉर्टकट से भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है नेट यूज़र और इंटर कर देना नेट यूज़र। जैसे आप इंटर कर दो तो यहाँ पे भी देख सकते हो जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे दिख जा रहे हैं। पर एक्स्ट्रा जो भी अकाउंट दिख रहे हैं उनमें से गेस्ट के अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, तो ये सारे लिस्टेड नहीं होते हैं, ये विंडोज 10 में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा अकाउंट है वो देख सकते हो AR है, LX है, LIS है, AR दानिश है, और विजिटर है। तो ये सारे अकाउंट्स आप उसमें भी देख रहे थे सेटिंग्स में, और इसमें भी। अब डिलीट करने का भी दो तरीका मैं बता देता हूँ। पहला तरीका है सेटिंग्स से, सेटिंग्स से कैसे डिलीट कर सकते हो। फिर आपको जाना है विंडोज़ में, विंडोज़ में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जाना है अकाउंट में, फिर फैमिली एंड अदर पीपल में, और यहाँ से आपको चेक करना है कौन से अकाउंट को आपको डिलीट करना है। तो यहाँ से मान लो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ एलिस को, तो एलिस पे मैं क्लिक करूँगा और बस यहाँ से रिमूव करूँगा मैं। जैसे रिमूव कर दो तो यहाँ पर तो कुछ वार्निंग आएगा कि अकाउंट विल रिमूव द डाटा फ्रॉम दिस पेसेज। इसमें क्या होगा उसके जो भी, जब मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का बताया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो डाटा होते हैं वो डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, पिक्चर्स में, वो अलग डाटा होते हैं, तो वो सारे डाटा जो होंगे वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपका पर्सनल डाटा है तो आप उसको कहीं और रख सकते हैं दूसरे ड्राइव में, नहीं तो आपका डाटा जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं उसमें कुछ है ही नहीं अभी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट अकाउंट एंड डाटा, और ये मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर भी ये नहीं है, और सेम चीज़ आप देखोगे अकाउंट पोर्ट में तो वहाँ पर से भी LS जो होगा वो हट गया होगा। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको नेट यूज़र, और यहाँ पे देख सकते हो कि LS जो है वो हट चुका है। और साइन आउट करोगे तो साइन आउट में भी आपको नहीं दिखेगा, तो साइन आउट करके मैं दिखा दूँगा। पर फिर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे हटा सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है नेट यूज़र, उसके बाद यूज़र का नेम, और स्लैश डेल। तो यूज़र नेम की जगह जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो
यहाँ पे मान लो कि मैं रिमूव करना चाहता हूँ एलेक्स को, तो एलेक्स को रिमूव करने के लिए मैं यूज़र नेम को मैं हटा करके लिख दूँगा एलेक्स। जैसे आप एलेक्स लिख दोगे उसका डिलीट करना, देख सकते हो कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो एलेक्स जो है वो हट चुका है। और अभी आप नेट यूज़र से देखोगे यहाँ पे एलेक्स नहीं दिखेगा और सेटिंग से भी एलेक्स हट गया होगा। तो अभी तो देख सकते हो ये अपडेटेड नहीं हुआ है, तो मैं इसको बंद करता हूँ विंडोज़ को और फिर से मैं वापस से सेटिंग्स में दिखाता हूँ आपको जा करके। तो सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट में जाना है और फैमिली एंड अदर पीपल में जाना है। और अब जो है वो एलेक्स नहीं दिख रहा, अब दो ही अकाउंट मेरा बच चुका है, एआर और विजिटर। तो इस तरह से आप अकाउंट को रिमूव कर सकते हो, दोनों तरह से मैं आपको बता दें, आप सेटिंग से भी रिमूव कर सकते हो और आप अकाउंट प्रॉम्प्ट से भी रिमूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। तो दोनों मैथड आप समझ गए होगे। अब मैं आपको साइन आउट करके दिखाता हूँ कि मेरा जो है यूजर जो वो रिमूव हो चुका है नहीं हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ बंद और उसके बाद मैं यहाँ से विंडोज़ में जाऊँगा। जाने के बाद मैं साइन आउट पे क्लिक कर दूंगा, पर साइन आउट करूंगा तो मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो मैं इसको फ़ोन में दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ से मैं साइन आउट पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा साइन आउट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे भी देख सकते हो जो नीचे में आपका यूज़र दिखता है वो बहुत सारे यूज़र्स दिख रहे हैं। तो अभी मेरा दो ही यूज़र्स बच चुका है क्योंकि मैंने और यूज़र्स को डिलीट कर दिया है। तो आप चाहते हो अगर इस सब में साइन इन करना, इस सब में साइन इन कर सकते हो। यहाँ से वही एड्रेस या यार जिस पर आप चाहते हो उस पर साइन इन करना, उस पर कर सकते हो, या फिर आप एडमिन वाले से भी साइन इन कर सकते हो। पर जब भी आप अकाउंट रिमूव करो तो आपको याद रखना कि आपके एडमिन का एक्सेस होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिन का एक्सेस नहीं है तो फिर आप अकाउंट कोई भी अकाउंट रिमूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अकाउंट प्रॉम्प्ट में भी रन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप सेटिंग्स में भी आपको एडमिन से लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंट को रिमूव कर पाओगे। तो अब आप समझ गए हो कि अकाउंट को कैसे रिमूव करना है किसी विंडोज़ में, विंडोज़ 10 में। तो अब आप आसानी से किसी भी अकाउंट को डिलीट कर पाओगे अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है बाई मिस्टेक। अगर आप डिलीट करना चाहते हो आप, तो उस तरह से आप डिलीट कर सकते हो।